आज हमारे देश में उम्र के हिसाब से ऊंचाई होनी चाहिए उसमें काफी कमी नजर आती है। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो, वजन को हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। करीब 9000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित मानकों के साथ आशा वर्कर हो, विलेज लेवल के वॉलंटियर्स हो, उनके पास टेक्नोलॉजी की मदद रहेगी। रेगुलर बेस पर वो अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो तुरंत ऊपर से इंटरवेंशन होगा, समस्या का समाधान कैसे हो, इन सारी बातों की ओर देखा जाएगा। कभी 8 महीने तक बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है, वजन बराबर चल रहा है, बारिश की मौसम आ गई, अचानक बीमारियों का दौर चल पड़ा, एकदम से सैकड़ों बच्चों की हालत खराब हो जाती है, आपकी 8 महीने की मेहनत 1 महीने में नीचे आ जाती है, तो एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन इस चैलेंजिंग काम को भी हमें पूरा करना है और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो संकल्प किया है उस संकल्प के द्वारा पूर्ण होगा। मिशन इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण के काम में तेजी आई है और हमारी कोशिश है कि वर्ष के अंत तक 90% टीकाकरण के काम को हम अचीव कर लें।